ये हम लोग गणेश चतुर्थी के अवसर पे YouTube चैनल के लिए कुछ बनाने का प्लान था हमारा सुमित का और शिप्रा का काफ़ी पहले से, जो जिसे हम अब पूरा करने की स्थिति में हैं। सो कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसे लोगों तक पहुंचा दें, जिसका वीडियो भी आपको मिलेगा और कुछ अलग सा इस गणेश जी की एक हमने स्तुति तैयार की है, जिसको आप तक पहुँचेगा। कोरियोग्राफ करेंगे आप सुमित जी और शिप्रा और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पहली बार किसी डिवोशनल प्रोजेक्ट से एसोसिएट हो रही हूँ। अभी तक जितने भी मैंने गाने गाए हैं सब बॉलीवुड के गाने हैं। इससे पहले मैंने कुछ भी धार्मिक नहीं गाया, बट मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और थैंक्स टू सुमित कि मुझे गणपति बप्पा के लिए कुछ गाने का मौका मिला है। एंड आई होप कि सभी लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले तो उच्चारण की जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं सीख रही हूँ दोनों से कि बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि हम लोग सुनते हैं बचपन से घर पे, पर उतना भी शुद्ध उच्चारण हमें नहीं मालूम होता। कुछ चीज़ें होती ना चली आ रही है तो उनका शब्द भी चेंज हो जाते हैं, आकार चेंज हो जाते हैं, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वो क्या, जो उसका मूल रूप है वो क्या है, वो मैं इन दोनों से सीख रही हूँ और गा रही हूँ। वो मैं आपको शायद फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, बट आप डेफिनेटली वीडियो का वेट कीजिए। जब वीडियो रिलीज होगा आपको डेफिनेटली हम उसकी पूरी विजुअलाइजेशन पिक्चराइजेशन दिखाएंगे। बट हमने बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो मोशन ग्राफिक्स को मिक्स करके उस विजुअल्स के साथ मुझे क्रोमा में शूट करके इवेंचुअली कोरियोग्राफी के थ्रू दिखाना है। तो इसमें ब्रजेश जी की आवाज़ है, शिप्रा की आवाज़ है, हमने दोनों के साथ मंत्र तो सेम होते हैं, गणेश जी का उच्चारण भी सेम है, मंत्र हमने वही लिए, बट उसका पैटर्न थोड़ा सा हमने मॉडर्न कर दिया है और उसी को हम कोरियोग्राफी से क्रोमा पे शूट करके मोशन ग्राफिक्स यूज़ करके CG यूज़ करके एक नए तरीके से YouTube के लिए बना रहे हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं शायद सबको ये पसंद आएगा। तो जब ये रिलीज़ होगा आपको डेफिनेटली बुलाएंगे। आई थिंक विद इन अ वीक इस गणेश उत्सव के अंदर आपको इन सब की झलक दिखाई दे जाएगी।